गाइस, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि इस साल भारत की झोली में 2 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं, लेकिन 90 साल बाद भी भारत की किसी फिल्म को फुल कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला। आखिर क्यों? दरअसल 1929 से ऑस्कर शुरू हुआ, लेकिन भारत की शुरुआत हुई 1957 से ऑस्कर के स्टेज पर, जब भारत की क्लासिकल फिल्म मदर इंडिया ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई, लेकिन दुर्भाग्य से सिर्फ 1 वोट से पीछे रह गई। इसके बाद भारत की फिल्म सलाम बॉम्बे, लगान और स्वास ने टॉप 5 में जगह बनाई, लेकिन अवार्ड ये भी नहीं ला पाई। कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी नॉमिनेट हुई, लेकिन कसक अभी भी बाकी थी। कई बार ये भी चर्चा होती है कि ऑस्कर में फिल्मों के चुने जाने की प्रोसेस को लेकर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। आज ऑस्कर में पूरी दुनिया की फिल्मों में से बेस्ट फिल्म चुनना, वो भी हर कैटेगरी के लिहाज से, आसान बात नहीं है। इसलिए ऑस्कर ट्रॉफी जीतना अपने आप में ब्रांड है, हालांकि इसमें कोई पैसा वैसा नहीं मिलता है। गाइस, आपके हिसाब से भारत की किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए था? क्या भारत को कभी फुल कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिल पाएगा या नहीं? प्लीज कमेंट कर अपनी राय जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।